होने वाले विधानसभा के चुनाव के कैंडिडेट के नाम फाइनल किए हैं, प्रत्याशियों के नाम, और उन नामों की मैं घोषणा करता हूं। हमारे इस तरफ वहां के एसएससी मुख्यमंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल जी और इस साइड हमारे वहां असम प्रदेश के अध्यक्ष रंजीत दास जी, हमारे हेमंत बिस्व शर्मा जी लोकप्रिय वहां के मंत्री, और उसी के साथ साथ असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल वोरा जी और वर्किंग प्रेसिडेंट श्री केशव महंता जी यहां पे उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलायंस असम गण परिषद और यूपीपीएल के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का फैसला किया और हमारे दोनों जो अलायंस पार्टनर हैं उनसे गठबंधन हो चुका है, सीटों का भी तालमेल हो चुका है। अब मैं एक एक करके नाम जो चुनाव समिति ने कैंडिडेट्स के नाम फाइनल किए, प्रत्याशियों के नाम, उनके मैं बोल रहा हूँ। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रंजीत कुमार दास जी हैं वह चुनाव लड़ेंगे पठार छार खुशी से, और माननीय मुख्यमंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल जी वह माजुली से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, पहले भी माजुली ही विधानसभा से चुनाव से जीते थे। माजुली हेमंत बिस्व शर्मा जी वहां से जालुकबरी वहां से चुनाव लड़ेंगे, पहले भी वहीं से जो विधानसभा का चुनाव लड़े वहां से जीते, वहीं से उसके बाद मंत्री बने। हाँ जालुकबरी, बाकी और सीटों का नाम मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। ढेकियाजुली से श्री अशोक सिंगल, बरसोला से श्री गणेश कुमार लिंबू, रंगपारा से श्री कृष्ण कुमार तांती, सोतिया से श्री पद्मा हजारिका, विश्वनाथ से श्री प्रमोद बोर ठाकुर, बिहाली से श्री रंजीत दत्ता, गोहपुर से श्री उत्पल बोरा, ढींग से श्री संजीव कुमार बोरा, बतार द्रोबा से श्रीमती अंगोर लता डेका, रुपोही हाट से श्री नाजिर हुसैन, सामोगुरी से श्री अनिल सेकिया, स्वरूपा थार से श्री विश्वजीत फुकन, गोलाघाट से श्रीमती अजंता नियोग, खुमताई से श्री मृणाल सैकिया, जोरहट से श्री हितेंद्र नाथ गोस्वामी, टीटावोर से श्री हेमंत कालिता, मरियानी से श्री रमानी तांपी, नाजिरा से श्री मयूर बुरा गुहाई, महामारा से श्री जुगेन मोहन, सोनारी से श्री धर्मेश्वर कोबर, थावर से श्री कुशाल दबरी, शिवसागर से श्रीमती सुरभि राजकोर नंबर, ब्यूपुरिया से डॉक्टर अमोय भुवान, डॉक्टर हैं, अमोय भुवान, लखीमपुर से श्री मानव डेका, लखीमपुर। ढकुआखाना यहाँ से श्री नव कुमार डोले, ये अच्छी सीट है। धेमाजी से डॉक्टर रानोज पेगू, जोनाई से श्री
भुवन पेगू, उसके साथ ही चुनाव समिति ने नाम जो डिक्लेयर की रही है मोरान से श्री चक्रधर गोगाई, डिब्रूगढ़ से श्री प्रशांत फुकन, लाहौल से श्री विनोद हजारिका, दुलियाजान से श्री तीरोस गोवाल। इसके साथ तिंगखोक से श्री विमल बोरा, नाहर कटिया से तरंग गोगोई, तिनसुकिया श्री संजय किशन, डिगबोई से श्री सुरेन फुकन, मार्गरेटा श्री भास्कर शर्मा, सदिया से श्री बोलिन चेतिया। यह अभी मैंने पहले चरण के जो थे फर्स्ट फेज के नाम अनाउंसमेंट किया, अब सेकेंड फेज के नाम अनाउंस बताता हूँ आपको। टोटल लेट मी अनाउंस देन आई विल कम बैक टू यू। रता इसमें अभी पढ़ के पूरा भी आपको बताता हूँ। रातबारी से श्री विजय मालाकर, श्री जी पथार कांदी श्री कृष्णेंदु पॉल, करीमगंज उत्तर से डॉक्टर मानस दास, बदरपुर से श्री विश्वरूप भट्टाचार्य जी, काली काट लिछेरा से श्री सुब्रतो नाथ, सिलचर से श्री दीपायन चक्रवर्ती, सोनाई से श्री अमीनुल हक लस्कर, ढोलाई से श्री परिमल शुक्ल वैद्य, उधारबंद से श्री मिहिर कांति सोम, लखीपुर से श्री कौशिक राय, बरखोला से श्री अमलेंदु दास, कटिगोरा से श्री गौतम रॉय, हाफलांग से श्रीमती नंदिता गारलोसा, बोकाजन से डॉक्टर नोमल मोमिन, हावड़ाघाट से श्री दोर सिंह रोहंग, दीपू से श्री विद्या सिंह इंग्लैन, बैथा लांगोस से श्री सिंह रूप सिंह तेरान, कमलपुर से श्री दिंगत कालिता, रंगिया से श्री भावेश कालिता, नलबाड़ी से श्री जयंता मल बरुआ, पनेरी से श्री विश्वजीत देमारी, कलाई गांव से श्री मधुराम डेका, मंगलदोई से श्री गुरु ज्योति दास, माजबाद से श्री जीतू किशन, जागीरोड से श्री पीयूष हजारिका, मारिक गांव से श्री रमाकांत देवरी, लाहरी घाट से श्री कोदिरु जजमान जिन्हा, नौगांव से श्री रूपक शर्मा, और इसी के साथ बरहमपुर से श्री जीतू गोस्वामी और लामडिंग से श्री शिवू मिश्रा के साथ अभी जो सीट डिक्लेयर कर रहे हैं वो 70 सीट डिक्लेयर कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 126 सीटें असम असेंबली की हैं, और उसमें से जो 26 सीटें हैं वह असम गण परिषद को अलायंस के साथ, तो 26 सीटें वह लड़ेंगे, और यूपीपीएल जो यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरेशन वह 8 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, और अभी हमने सीट की घोषणा की है 70 जो केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन सीटों को नाम अप्रूव किया है, और इसी के साथ इसमें अब आपका हाँ
भारतीय जनता पार्टी जो वहां पे पूरी तरीके से वहां पे 3/4 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और थर्ड फेज अभी बचा हुआ है। एसटी कुल मिला के एसटी कैंडिडेट जो 11 एसटी कैंडिडेट है, 11 एसटी 4 एससी कैंडिडेट को इसमें है और 11 सीट जो है अभी तक 11 विधायकों का जो सिटिंग विधायक है उनका टिकट बदला गया है। 11 सिटिंग एमएलए का टिकट बदला गया है बीजेपी का मतलब चेंज किया गया, दूसरे को लड़ाएगा वहां से, हाँ न्यू फेस ले आएंगे। देखिए यह तो हमें टिकट अनाउंसमेंट करने के लिए कर रहा है, पार्लियामेंट्री बोर्ड ही निर्णय करेगा। नहीं ऐसा नहीं है, अभी जो टिकट के बारे में आप कंसेंट्रेट करिए, इसके बारे में कोई पूछना हो तो आप जरूर पूछिए और उसके बाद अब मैं निवेदन करूंगा। हमारे एक एक करके प्लीज सर एक एक करके एक मिनट। आसाम गण परिषद का अध्यक्ष श्री अतुल बराज जी भी हमारा बीच में है, दो दो शब्द बोल दें। बीजेपी जो जो सीट में लड़ेगा इसका भी एक नाम उसमें आप लोग हमेशा चेंज करते हैं, ऐसा नहीं हमेशा, हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी चेंज करती है। आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, आप सीट अनाउंसमेंट कर रहे हैं करें एक मिनट, अभी आपको सब बताते हैं जरा। असम गण परिषद के जो अध्यक्ष हैं अतुल वोरा जी अपनी सीट का अनाउंसमेंट कर देंगे, कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो इधर मुख्यमंत्री जी भी हैं, हेमंदा भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आपसे जो भी आप पूछेंगे दो दो शब्द आप जरूर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा मौका है, थोड़े पूछ पाछ लीजिए। माननीय अरुण सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री सोनोवाल जी, माननीय नेता कन्वेनर हिमंत विश्व शर्मा जी, भाजपा के राज्य के अध्यक्ष रंजीत दास जी और मेरे कलीग केशव महंत जी, हमारे पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट, हमें लास्ट 5 साल गटा 5 साल एनडीए में थे, अभी भी गवर्नमेंट में है और आने वाला चुनाव में हमें एक साथ लड़ेंगे। तो 1 मार्च में हमारी डिस्कशन शुरू हुई थी तो तालमेल हो गया, तो एक साथ लाने के लिए हमें डिसीजन लिया। अभी तो अरुण सिंह जी ने बोला कि एजीपी के लिए 26 सीट है, मैं सीट का नाम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी नाम में घोषणा करता हूँ, साबुआ, आमगुड़ी, त्योग, डेरगांव, बोकाखाट, कोलियाबोर, रोहा, गुवाहाटी वेस्ट, सोयगांव, बोको, ग्वालपड़ा ईस्ट एंड ग्वालपड़ा वेस्ट, मानकासर, अभयपुरी नॉर्थ, अभयपुरी साउथ, बंगाईगांव, बरपेटा, भवानीपुर, सेंगा, सरुक्षेत्री, तेजपुर, अलगापुर, करीमगंज साउथ, डलगांव, नावबैसा और जमुनामुख। They will contest in 8 seat and those 8 seats will be declared from Guwahati. They will declare, so but alliance has been sealed. ऐसा है, last time AGP has contested 27 seat, so this time AGP will contest 26 seat because our president is contesting from 1 seat, so as a courtesy they are leaving his seat. So that it is 26. UPPL, our alliance partner in Bodo land area, they will contest 8 seat. Another alliance partner, Rabha Jyotha Mansa, they will get 1 seat, but they will contest in the symbol of BJP. That is why we have not shown them separately. So we are fighting as a 4-party alliance. 3 will be with their own independent symbol and 1 party will be fighting in the BJP symbol. It was a demand of the local party Karyakarta that Sri Ranjit Das should
contest from Patasar Kusi. As per wishes of our party Karyakarta, we have decided that Sri Ranjit Das will contest from Patasar Kusi. Sorry, obhi party ka jo aaj to announcement hi hai. So my request is ek ek. So, agor nirbasanatu sarita homostit bondhutopurna protidondita hoisile local situation loi. Ebar tenuka poribe hobo nalage ar korobat jodi hoy ami apnalokok janam. ঠিক আছে সেইটো সেইটো ইয়াত আমি আলোচনা কৰিব খোজা নাই আজি সুচি আনাউন্সমেন্ট বহুত বহুত সকলোকে ধন্যবাদ সরকার বনিব আজি এজিপি আমাৰ সকলোৰে ইমান সুন্দৰ কৰি এলায়েন্স হৈ গৈছে সবকো না মই আপোনাক কৈছো শুনক এটা কথা 1 মিনিট आप लोगों को मालूम है पिछले 5 साल हम लोगों ने कैसे सरकार चलाई असम के अंदर और खास करके हमारे देश की आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन से हम लोगों ने पिछले 5 साल सब लोगों को साथ में लेकर सरकार चलाई सफलपूर्वक और इसमें मीडिया का भी काफी सहयोग है ये मैं स्वीकार करता हूँ मानता हूं क्योंकि ये लोकतंत्र में सबका सहयोग चाहिए और जितना भी हमारी तरफ से कदम उठाया गया सभी कदमों पर लोगों का सहयोग था इसकी वजह से सफलपूर्वक और सबको लेके एक शांति समाज निर्माण करने के सिलसिले में हम सफल रहे और असम में अभी शांति है प्रगति है और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नीति को सही निष्ठा से इसको अब मतलब लागू किया गया है इसके वजह से लोगों का मन में काफी विश्वास जाग उठा है सबको इंसाफ मिला है सबको इज्जत दिया गया है और इसलिए फिर से बीजेपी सरकार होंगी ये निश्चित है हमारी गठबंधन एजीपी पीपीएल और हमारे राभा सबका साथ हम लोग मिलकर फिर से जनता का दिल जीतने के लिए हम सफल रहेंगे बस इतने ही कहना है Thank you. Thank you. Thank you so much. DB News.